देवरानी का धोखा जेठानी के साथ। शिल्पा की अभी अभी नई शादी हुई थी और वो अपने ससुराल में खुशी खुशी रह रही थी कि कुछ ही दिन हुए थे और उसने घर के सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लिया था। एक दिन शिल्पा कपड़े धोकर उन्हें छत पर सुखाने के लिए लेकर जाती है, जहां शिल्पा का जेठ गौरव अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है। गौरव शुरू से ही हट्टा कट्टा और हैंडसम था और शिल्पा को वो बहुत पसंद आता था। वो कपड़े सुखाते सुखाते गौरव को देख रही होती है। अरे वाह, क्या बात है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। आज तो गौरव जी फुल फॉर्म में एक्सरसाइज कर रहे हैं, काफी हैंडसम लग रहे हैं। शिल्पा के आने से गौरव और स्टेमिना दिखाते हुए एक्सरसाइज करता है। अरे शिल्पा, जरा मुझे पानी की बोतल तो पकड़ाना। शिल्पा पानी की बोतल देते हुए कहती है। क्या हुआ जेठ जी, लगता है आप थक गए हो। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे अंदर बहुत स्टेमिना है, बस एक्सरसाइज करने के बाद बॉडी को 6 से 7 सेकंड रिलैक्स छोड़ना पड़ता है ना। दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं और बहुत देर तक गौरव और शिल्पा एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। शादी के बाद से ही शिल्पा अपने पति शुभम के ऊपर कम और गौरव के ऊपर ज्यादा ध्यान देती थी। अरे गौरव जी, आपने तो भिंडी की सब्जी खाई ही नहीं, ये लो इसे जरा खाकर बताओ कैसी है। अरे ये तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है, लगता है तुमने बड़ी मेहनत के साथ बनाई है। गौरव के मुंह से तारीफ सुनने के बाद शिल्पा अपने मन ही मन मुस्कुराने लगती है। खाने की टेबल पर बैठी हुई सुमित्रा, शुभम और पूनम ये सब देख रहे होते हैं। अच्छा बहू, तुम जब से घर में आई हो बाहर घूमने ही नहीं गई हो, कल तुम शुभम के साथ बाहर घुमाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। अपनी सास की बात सुनकर शिल्पा कहती है। दरअसल माँ जी, शुभम जी को तो मेरे लिए टाइम ही नहीं मिलता है, अब मैं क्या करूं? अरे नहीं नहीं शिल्पा, ऐसी कोई बात नहीं है, कल मैं तुम्हें शॉपिंग करवाने के लिए ले चलूंगा, तुम सुबह जल्दी से तैयार हो जाना, हाफ डे में मैं अपनी जॉब पर चला जाऊंगा। सभी लोग खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चले जाते हैं। आधी रात के समय शिल्पा नींद से जागती है और छत पर पहुंच जाती है, जिसके बाद वो गौरव को फोन करती है। रास्ता साफ है, फौरन ऊपर चले आओ। शिल्पा के बुलाने पर गौरव छत पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो दोनों पूरी रात भर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। और सुबह सबके उठने से पहले ही वो दोनों अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, जिसके बाद सुबह शिल्पा अपने पति शुभम के साथ शॉपिंग करने चली जाती है। अरे मैंने सुना था कि लड़कियों को शॉपिंग करने का बहुत शौक होता है, लेकिन तुमने तो कुछ भी नहीं खरीदा। मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा, अगर मुझे कुछ पसंद आएगा तो मैं आपके जाने के बाद भी ले लूंगी, आप परेशान मत होइए। कुछ देर शॉपिंग करने के बाद शुभम अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, जिसके बाद शिल्पा गौरव को फोन करके बुला लेती है। अरे मेरे पास पठान मूवी की 2 टिकट्स हैं, क्या तुम मूवी देखने मेरे साथ चलोगी? भला ऐसा मौका मैं कैसे गवा सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। दोनों के दोनों मूवी देखने चले जाते हैं, जिसके चलते शाम के वक्त वो दोनों एक साथ घर पर पहुँचते हैं। दोनों को एक साथ देख कर पूनम शिल्पा से कहती है। अरे शिल्पा, तुम तो सुबह शुभम के साथ गई थी, फिर गौरव जी के साथ कैसे आई? दरअसल वो, अरे जब मैं घर की तरफ आ रहा था तो मुझे रास्ते में शिल्पा नजर आ गई थी, तो मैं इसे अपने साथ ही ले आया। चलिए कोई बात नहीं, मैं खाना लगा देती हूँ, आप दोनों खाने की टेबल पर आ जाओ। दोनों एक साथ कहते हैं। हमें भूख नहीं है, हम बाहर से खा कर आए हैं। दोनों को भूख नहीं है और दोनों बाहर से खा कर आए हो, वो क्या है ना जेठानी जी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी, इसलिए मैंने गौरव जी के साथ बाहर ही खा लिया था। ऐसा कहने के बाद शिल्पा अपने कमरे में चली जाती है और गौरव भी आराम करने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। कई दिन तक उनका इसी प्रकार चलता रहता है। ये सब देखने के बाद पूनम को उन दोनों के ऊपर शक होने लगता है। एक दिन पूनम अपना सारा सामान पैक करके अपनी देवरानी से कहती है। देखो शिल्पा, मैं 2 दिन के लिए अपनी माँ के पास जा रही हूँ, तुम घर का अच्छे से ख्याल रखना और माँ जी का भी अच्छे से ख्याल रखना। अरे जेठानी जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं घर को अच्छे से संभाल लूंगी। शिल्पा की बात सुनकर पूनम अपनी माँ के घर जाने के लिए निकल जाती है, जिसके बाद शिल्पा बहुत खुश होती है और गौरव को मैसेज करती है। अरे ये तो सोनी पर सुहागा हो गया, कहाँ हो जेठ जी, जल्दी घर आ जाओ, आज कुछ तूफानी करते हैं। मैसेज देखने के बाद गौरव एक हार्ट का मैसेज सेंड करता है और शाम को जल्दी घर वापस आ जाता है।
जिसके बाद शिल्पा सीधा अपनी जेठानी के कमरे में अपने जेठ के पास जाती है। हाय, इस दिन का मुझे कब से इंतजार था, आखिरकार ये दिन आ ही गया। आज हम पूरी रात भर एक साथ मेरी जेठानी के कमरे में गुजारेंगे। अरे इतनी खुश मत हो मेरी जान, कहीं तुम्हारी इस खुशी को नजर न लग जाए। आप सही कह रहे हो जेठ जी, वैसे मुझे अभी के लिए यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि शुभम जी भी आने वाले हैं। सभी को खाना खिलाने के बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी। ऐसा कहने के बाद वो घर के बचे कुचे काम करने के लिए चली जाती है और सबको खाना खिलाने के बाद जब घर के सभी लोग सो जाते हैं तो वो मौका देखते ही अपने जेठ गौरव के कमरे में आ जाती है। अरे मेरी जान, कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? जैसे ही वो लाइट्स ऑन करती है उसके सामने उसकी जेठानी खड़ी होती है। पूनम रंगे हाथ शिल्पा को पकड़ लेती है। मैं जानती थी कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए सब मैंने जानबूझकर किया। मुझे माफ कर दो पूनम, मुझसे गलती हो गई। पहले तो मैं नहीं गई थी, लेकिन अब मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ और गौरव जी मुझे आपसे तलाक चाहिए। नहीं बहू, तू इस घर से कहीं नहीं जाएगी, जाना तो इस कलमू ही को चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, लेकिन माँ जी मुझे यहाँ से मत निकालिए। नहीं माँ जी, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती और अपने धोखेबाज पति जिसे मैं जान से भी ज्यादा प्यार करती थी और एक देवरानी जिसमें मैं हमेशा अपनी बहन समझती थी, इस दुनिया में कोई भरोसे के लायक है ही नहीं। तुझे मेरी सौगंध है बहू, तू कहीं नहीं जाएगी। सुमित्रा की कसम देने पर पूनम कहीं नहीं जाती। वहीं दूसरी तरफ गौरव रोजाना अपनी पत्नी पूनम को मनाने की कोशिश करता है। कभी वो पूनम के लिए नए कपड़े लाता तो कभी उसके लिए गुलाब लाता। वहीं दूसरी तरफ शिल्पा भी शुभम को मनाने की कोशिश करती है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है जिसका मुझे पछतावा है, इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दो। आज के बाद मैं अपने रिश्ते पर ध्यान दूंगी। शुभम शिल्पा को माफ कर देता है। वहीं गौरव पूनम से कहता है, तुम्हारे साथ सात फेरे तो लिए थे लेकिन उन्हें निभा नहीं पाया, आगे से कभी कोई गलती नहीं करूंगा, प्लीज मान जाओ। पूनम भी गौरव की गलती को माफ करके उसके साथ अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करती है। अब दोनों देवरानी और जेठानी अपने अपने पतियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं।